नाम मीनाक्षी शर्मा है, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। इससे पहले वीडियो में हम पहला पार्ट हम भारत के भरत के अभ्यास कार्य कर रहे थे, उसमें हमने 6 प्रश्न करे थे। उससे आगे के प्रश्न आप आज करें। तो इसका 7वां प्रश्न है, बालकों की जिम्मेदारी क्या है? अपने देश की सजग होकर रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपने देश, हमारा देश कौन सा है अर्थात भारत माता की सजग होकर रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं? वो साहस और बलिदान शब्दों को एक वचन में लिखिए। बच्चों एक वचन क्या होता है? वचन क्या होता है? जिससे संज्ञा शब्दों के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन एक से अधिक का। तो ये देखिए आप, चिंगारियां, चिंगारियां का एक वचन क्या होगा? चिंगारी। फुलवारियां का क्या होगा? फुलवारी। सवारियां का? सवारी। अब ये देखिए, बहुवचन में ई की मात्रा छोटी है, लेकिन अब जब हम एक वचन बनाते हैं तो लास्ट में ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। क्यारियां, क्यारी। बिवाइयां, बिवाई। दवाइयां, दवाई। मिठाइयां, मिठाई। देखिए मिठाइयां में भी ई की मात्रा छोटी है, तो एक वचन में ये बड़ी हो गई। तैयारियां, तैयारी। सलाइयां, सलाई। चटाइयां, चटाई। अब बच्चों आपका ये गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी महीनों के नाम लिखिए। इंग्लिश के महीने आप सभी जानते हैं, कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इनके नाम आपको हिंदी में लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के भरत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमें त्याग और बलिदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए, साहस से और संकटों का सामना करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।